दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान हनुमान जी के कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान हनुमान आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हमने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था जिसमें चांद की परछाई से हनुमान जी का चेहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस वीडियो के वायरल होते ही उस मंदिर पर काफी सारे लोग जमा भी हो गए। और ये रहा उस चमत्कारी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों क्या आपने भी हनुमान जी का चेहरा देखा? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। एक ऐसा मंदिर जिसे भूतों ने बनाया है, गोदेर के जंगलों में बना ककनमठ मंदिर जो कि लटके हुए पत्थरों से बना है। और इस मंदिर के बारे में कई सारे बातें फेमस है कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान महादेव को इंसान ही नहीं भूत प्रेत भी पूछते हैं, और इस मंदिर की बनावट को देखकर ऐसा लगता नहीं इसे कोई इंसान बना सकता है, और ऐसा लगता है कि ये मंदिर कभी भी गिर सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये मंदिर 10 किलोमीटर दूर से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे हम मंदिर के पास जाते हैं हमें लटके हुए पत्थर दिखाई देने लगते हैं। और जब से ये मंदिर बना है उनके बीच में एक शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है, और इस मंदिर के पत्थरों को इस तरह से बैलेंस किया गया है बड़े बड़े सुनामी और तूफान भी इसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन देखने में लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है। और कई सालों से ये आज भी वैसा का वैसा ही है, और इस बात के लिए हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में कुछ लोग गाड़ी से रस्ते में जा रहे होते हैं, तभी उन्हें बादलों से भगवान कृष्ण जी का चेहरा दिखाई देता है, और इसलिए वो इस वीडियो को फिल्माने लगते हैं। और ये रहा उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये सचमुच में भगवान का चमत्कार ही है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये क्लाउड फिनोमेना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपना मानव शरीर त्याग रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी से कहा तुम यहीं पर ही रुको, और राम जी के जाने के बाद हनुमान जी अयोध्या छोड़कर श्रीलंका के जंगलों में चले गए, और वहाँ के आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की, और उनकी भक्ति और सेवा को देखकर हनुमान जी ने उन्हें एक वचन दिया, वो हर 41 सालों के बाद उनसे मिलने आएंगे और उन्हें आत्मज्ञान देंगे। और उसके साथ साथ हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया, और उन्होंने कहा कि जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब इस मंत्र को पढ़ लेना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो मलेशिया के एक शहर में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि अपने मोबाइल के कैमरे से आसमानों को फिल्मा रहा था, लेकिन तभी उसे आसमानों में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो हैरान हो गया। और ये रहा उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये हनुमान जी ही है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक अननोन क्रिएचर है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। ये वीडियो कुतुब मीनार के पास की है, और इस वीडियो में कहा जाता है कि ये उड़ता हुआ चीज और कोई नहीं भगवान हनुमान है। और जब ये वीडियो YouTube पर अपलोड हुआ तब ये वीडियो बहुत जल्दी ही वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ लोग फोटो खिंचा रहे थे तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। अबे जल्दी कर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे ये वीडियो मोड में आ गया है, वेट अ मिनट। अबे पीछे देख वो क्या है? और एक्सपर्ट के माने ये वीडियो 100% रियल है। और ये वीडियो देखने पर आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।